इब्ने शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं मीर के दायरे का पैदल दौरा करी मुसलसिल जो है सो दो दिन से मेरे को यहाँ से फ़ोनस आ रहे हैं कॉल्स आ रहे हैं और आज जो है सो सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरत सर असदुद्दीन अवैसी साहब को कोई यहाँ से फ़ोन करके बोले कि मीर के दायरे में अभी तक वाइट वाश भी नहीं हुई और जंगल कटिंग भी नहीं हुई बोले तो साहब मेरे को इमिडिएटली फ़ोन करके बोले कि आप जाइए नसरीन देखिए बोले तो मैं आके देखी हूँ। वाकई में जो एजेंसी काम ली है आप देख सकते हैं कांटी वैसी है कोई भी जो है सो यहाँ अपना सेल्फ काम कर ले रहे हैं बच्चे यहाँ पर। मैं आके देखी तो तकरीबन यहाँ देख रही हूँ कि मैं सुबह में उनको फ़ोन करके बोली तो उन्होंने बोले मेरे को मैं लेबर भिजाया बोले और लेबर यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी कांटी वैसी है और लोग अभी आ रहे हैं फूला चढ़ाने के लिए वो लोग भी देखे अपना सेल्फ अपना अपन कर ले रहे हैं। अब जब एजेंसी इतना बड़ा काम ली है 6,70,000 का काम लिया आप देख सकते हैं पूरी कांटिंग वैसी है और जैसे वाइट वाश भी अभी नहीं हुई। कल देखे तो लोगों का फातिहा है आज भी फातिहा है जैसा मेरे को नकीब मिलत बारह सौदीन अवैसी साहब बोले कि आप जाके देखो बोले मैं वाक़ देखे आके यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ और एजेंसी वाले भी अभी तक लापरवाही देखी आप उनकी आए भी नहीं देखे भी नहीं अभी तक कोई आके पीछे का हिस्सा देखा है ना सामने का हिस्सा देखा अभी कोई। आप देख सकते कुछ वाइट वाश भी नहीं हुई और जंगल कटिंग भी वैसी हुई। इसके खातिर मैं अभी नकीब मिलत बैरसुद्दीन अवैसी साहब से भी बात करूंगी और मेरा मुतारा ये है कि आपके चैनल के ज़रिए जो भी एजेंसी काम ली है मेरे कहने तीन एजेंसी भी काम ली है तीनों एजेंसी में भी यही है। ये शंकर बंडी शंकर बोल के है आप देख सकते बंडी संजय बोल के एक कंडक्टर है 6,70,000 का है और एक जाफर हुसैन बोल के एक कंडक्टर उनको 5,05,000 का काम है और एक ये हैदर पाशा बोल के है उनको 3,45,000 का काम है। आप देख सकते कोई भी कब्रस्तान में अभी तक वाइट वाश नहीं हुई एक दो जगह हुई शायद पतंगशाह वली की दरगाह करने एक जगह हुई काम बाकी के कब्रस्तानों में मैं सुबह से आज देख रही हूँ पूरा वैसी है और मैं यही को भी इतला करी हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं ये मुताला है कि मेरा यहाँ पर मैं जूनल साहब से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके बिला मत लिख लिए क्योंकि ये काम कुछ भी नहीं करे अभी आप देख सकते अपना अपना काम अपने लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। हमारा मुताला ये है कि शाबान की ईद आई तो हम एक दो दिन पहले से काम स्टार्ट करके ख़त्म करके जितना नीट हुआ उतना करके देंगे बोले तो यहाँ पर कोई जो है सो वो करते एजेंसी वाले काम लेते एक से चार जगह काम लेते काम नहीं करे। हमारा यही है कि जूनल साहब से और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि मैं जो है सो लोगों के बिला नहीं लिखना बोल के बोल रही हूँ इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लोगों को बिला नहीं लिखने की पूरा इंशाल्लाह ताला जितना मेरे से हो सका मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी भी मैं दूसरों को बोली हूँ ये बाउंड्री के वास्ते अभी चुना डालने के लिए अगर उन्होंने करे ठीक है नहीं करे तो मैं मेरे जानिब से जो है सो यहाँ पर चुना पानी करा के दूँगी। मैं यहाँ के लोगों से अदबन माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उससे दो दिन पहले से मैं काम स्टार्ट करूँगी बोले लेकिन एजेंसी वाले फिर आ रहे और आज भी देखिए अभी भी ये टाइम हो गया मैं अभी भी कब्रस्तान में ही हूँ यहाँ पर मीर के दायरे में यहाँ पर पूरा वैसी है आप देख सकते हैं। देखिए पीछे से पूरा देख लीजिए पूरी कांटी वैसी है कोई कटिंग नहीं हुई जंगल का। हालांकि आज सुबह से मैं उनको फ़ोन भी करी उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे इंशाल्लाह ताला मैं जो भी बात है सदर मोहतरम से बात करके उनका बिल रुकाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह।